Hello students, welcome to Weird class once again. Now we'll start with the chapter number 6, that is real friend. All of you are having your friends, right? है ना, सबके पास अपने अपने friends हैं, सबके अपने अपने friends होते हैं, right? तो जो लेकिन हमारा सच्चा मित्र होता है real में, तो that is our true friend. So let's come with the beginning of the story. The story is the river and the gold fish. Long time back there was a river. एक बहुत दिन पहले की बात, एक रिवर होती थी. द रिवर वॉज रैदर अनफ्रेंडली एंड लोनसम. क्या होता था, जो रिवर होती थी वो या बहुत ही ज़्यादा अनफ्रेंडली, मतलब किसी से दोस्ती नहीं करती थी और अकेली रहना पसंद करती थी. शी लिव्ड अलोन एंड रिफ्यूज टू शेयर हर वाटर विद एनी फिश, प्लांट और एनिमल. वो हमेशा अकेले रहना चाहती थी और हमेशा सबसे अपनी पानी को, अपने वाटर को, किसी भी, कोई भी फिश हो, कोई प्लांट हो, कोई एनिमल हो, सबसे वो रिफ्यूज़ कर देती थी. दिस वे हर लाइफ वेंट ऑन सैडली इन लोनलीनेस फॉर मेनी सेंचुरीज. और इस तरीके से उसकी लाइफ बहुत अकेली और दुखी महसूस करती थी और बहुत सालों तक वो ऐसे ही अकेला और दुखी रहती थी. वन डे अ लिटिल गर्ल With a goldfish bowl came to bank of this river. एक दिन एक छोटी सी लड़की अपने goldfish के साथ, अपने बॉल, goldfish उसके बॉल में रहती थी, उसके साथ वो उस रिवर के किनारे, बैंक ऑफ द रिवर मतलब रिवर के किनारे आई. इन द बॉल हर फेवरेट लिटिल गोल्ड फिश लिव्ड. उस बॉल में उसकी छोटी सी लिटिल फिश रहती थी. द गर्ल वॉज अबाउट टू मूव टू अनदर कंट्री एंड शी वुडंट बी एबल टू टेक द गोल्ड फिश सुशी विद हर. क्या होता था कि जब वो गर्ल, वो उस फिश को क्यों वहाँ पर रिवर के किनारे लेकर आई, क्योंकि वो उस कंट्री को छोड़कर जा रही थी और वो फिश को अपने साथ नहीं ले जा सकती थी. इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं उस फिश को उस नदी में छोड़ दूँ. उस फिश का नेम क्या था, सुशी. क्या नेम था, सुशी. सो शी डिसाइडेड टू पुट द गोल्ड फिश इन द रिवर. तो उसने सोचा कि मैं उस फिश को उस रिवर में छोड़ दूँ. व्हेन द गोल्ड फिश fell into the river, she immediately felt that the river's loneliness. कि जैसे ही उसने गर्ल ने गोल्ड फिश को नदी में डाला, तो उसने एकदम से महसूस किया, उस गोल्ड फिश ने महसूस किया क्या, रिवर के अकेलेपन को. लोनलीनेस मतलब उसके अकेलेपन को. उसको लगा कि शायद ये रिवर बहुत ही ज़्यादा अकेली, अकेला फील करती है. शी ट्राइड टॉकिंग टू हर टू द रिवर, बट द रिवर टोल्ड हर टू गो अवे. उसने बहुत कोशिश करी उस रिवर से बात करने की, बट रिवर उससे क्या कहती थी हमेशा, तुम यहाँ से चली जाओ. शी डिड नॉट लिसन टू द रिवर एंड स्वैम इन इट्स वाटर. बट क्या था कि रिवर ने उससे बहुत बात करने की कोशिश करी और उसे हमेशा कहती थी कि तुम यहाँ से चली जाओ. बट सुशी क्या करती थी, सुशी ने क्या किया, उसने उसकी एक बात नहीं सुनी और वहीं पर अपना तैरती रही. स्वैम एंड स्वैम. ग्रेजुअली शी स्टार्टेड जंपिंग एंड स्प्लैशिंग एंड लाफिंग. और उसने धीरे धीरे अपना वहाँ पर जंपिंग करना शुरू किया, पानी में उछलना शुरू किया. स्प्लैशिंग मतलब पानी में छपाक छपाक करनी शुरू करी, हंसना शुरू किया. इट टिकल्ड हर. फिर उसने उसको गुदगुदी भी मचाई. किसको, सुशी ने किसको मचाई, रिवर को. ठीक है. आफ्टर अ वाइल दिस पुट द रिवर इन सच अ गुड मूड दैट शी स्टार्टेड टॉकिंग टू सुशी. फिर क्या हुआ, उस ये सारी जो भी डीड्स थी, जो सारी उसकी हरकतें थी, उससे जो थी, जो रिवर थी, थोड़ी सी खुश हो गई, उसका मूड अच्छा हो गया और वहाँ पर उसने उसके साथ वहाँ पर स्विम करना शुरू किया. ऑलमोस्ट Without knowing it, by the end of that day, Sushi and the river had became very good friends. फिर क्या हुआ कि एकदम से, बहुत दम से क्या हुआ कि Sushi जो थी वो बहुत ज़्यादा उसकी अच्छी friend, river की अच्छी friend बन गई. The river spent that night thinking about how much fun it was to have friends. कि उसने सोचा कि उसने पूरी नाइट उसके साथ ये सोच के बिताई. उसने वो ये सोच रही थी कि एक अच्छे फ्रेंड्स होना कितना अच्छी बात है. द नेक्स्ट मॉर्निंग सुशी वोक द रिवर विद अ फ्यू प्लेफुल स्प्लैशेस. कि जब अगले मॉर्निंग जब सुशी उठी, तो उसने रिवर को कुछ अच्छे मजाक वाले, प्लेफुल मतलब मजाक वाले स्प्लैशेस के साथ उठाया. स्प्लैशेस मतलब उसके ऊपर छपाक छपाक किया और वो उठ गई. दिस मेड द रिवर वंडर वाई शी हैड डिसाइडेड टू बी सच एन अनफ्रेंडली वन बिफोर. उसने सोचा कि मैंने कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं एक अकेले रहना पसंद करूंगी. शी रिमेम्बर्ड, उसको याद था दैट शी वॉज वेरी टिकलिश. कि उसको याद था कि वो पहले बहुत ही ज़्यादा
मजाकिया थी, मतलब खुश रहने वाली थी. एंड शी डिड नॉट वॉन्ट एनी वन टू प्ले विद एंड स्प्लैश इन हर वाटर, कि उसको बिल्कुल भी ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि पानी में छपाक करना, किसी को गुदगुदी करना, हंसना बोलना उसको, किसी से बातचीत करना, फ्रेंड्स करना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था पहले. ठीक है, फिर क्या हुआ, शी ऑल्सो रिमेंबर दैट शी हैड फेल्ट वेरी सैड एंड लोनली फॉर मैनी ईयर्स. उसको याद है कि वो इतने सालों तक अकेली थी और दुखी थी. नाउ हर सैडनेस हैड डिसअपीयर्ड, अब उसकी सैडनेस, उसका दुखपन वहाँ से जा चुका था. दस द रिवर लर्नड दिस लेसन, और उसने ये शिक्षा ली एंड वॉज वेरी हैप्पी, और वो उस चीज़ से लेकर खुश हो गई कि हमें ज़िंदगी को खुश होकर जीना चाहिए. दिस डिसाइडेड टू ऑलवेज बी फ्रेंडली थ्रू आउट हर लाइफ, और ये डिसीजन उसकी लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन था, और वो इस डिसीजन से बहुत फ्रेंडली हो गई, सबसे बातचीत करने लगी, सबके साथ खुश रहने लगी और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगी. आई एम रीडिंग दिस चैप्टर वंस अगेन फॉर यू, जस्ट गो थ्रू द प्रोनाउंसिएशन वेरी केयरफुली. Long time back there was a river. The river was rather unfriendly and lonesome. She lived alone and refused to share her water with any fish, plant or animal. This way her life went on sadly in loneliness for many centuries. One day a little girl with a goldfish bowl came to the bank of this river. In the bowl, her favorite little goldfish lived. The girl was about to move to another's country and she wouldn't be able to take the goldfish sushi with her. So she decided to put the goldfish in the river. When the goldfish fell into the river, she immediately felt the river's loneliness. She tried talking to the river, but the river told her to go away. She did not listen to the river and swam in its water. Gradually, she started jumping and splashing and laughing. It tickled her. After a while, this put the river in such a good mood that she started talking to Sushi. Almost without knowing it, by the end of the day, Sushi and the river had become very good friends. The river spent that night thinking about how much fun it was to have friends. The next morning, Sushi woke the river up with a few playful splashes. This made the river wonder why she had decided to be such an unfriendly one before. She remembered that she was very ticklish and she did not want anyone to play with the splash in her water. She also remembered that she had felt very sadly and lonely for many years. Now her sadness had disappeared, thus the river learned this lesson and was very happy. She decided to always be friendly throughout her life. Okay students, so you should make your friends and the friends with very real friendship. Hai na? अपने भी फ्रेंड्स होने चाहिए, बट ऐसे ही नहीं हर किसी को अपना फ्रेंड बना लिया. दैट ट्रू फ्रेंड, गुड फ्रेंड, द फ्रेंड विच लिव्स अ लाइफ हैप्पीली, दैट शुड बी अ रियल फ्रेंड. Okay, students? Okay, thank you. Goodbye.